जल्द ही वाहनों के लिए बीमा पॉलिसी लेने के तौर तरीकों में बदलाव होने वाला है। IRDAI की मंजूरी के बाद अब बीमा कंपनियां वाहन मालिकों को गाड़ी चलाने सुरक्षित ड्राइविंग के हिसाब से बीमा पॉलिसी दे सकेंगे। ऐसे में सेफ और कम ड्राइविंग के लिए लोगों को कम प्रीमियम चुकाना होगा। वाहन से जुड़े बीमा के नियम आने वाले दिनों में ग्राहकों की सहूलियत के हिसाब से बदलने जा रहे हैं। अब बीमा ग्राहक गाड़ी चलाने की आदतों के हिसाब से मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकेंगे। बीमा रेगुलेटर IRDAI ने जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को टेलीमेटिक्स आधारित मोटर इंश्योरेंस कवर लॉन्च करने की मंजूरी दी है। इसके जरिए पे एज यू ड्राइव पॉलिसी के तहत कम गाड़ी चलाने वालों को कम प्रीमियम देना होगा और पे हाउ यू ड्राइव में सुरक्षित वाहन चलाने और कम दुर्घटना वाले लोगों को भी प्रीमियम कम भरना होगा। जानकारों के मुताबिक नए नियमों से उन लोगों को फायदा होगा जो नियमित तौर पर वाहन नहीं चलाते हैं या जिनके पास एक से ज्यादा कार हैं। इसके अलावा एक से ज्यादा गाड़ियां होने की स्थिति में ग्राहक फ्लोटर मोटर इंश्योरेंस ले सकेंगे, यानी हर वाहन के लिए अलग पॉलिसी लेने की जरूरत नहीं होगी। इससे वाहन मालिकों के कुल प्रीमियम में कमी आएगी। ये बीमा कवर एड ऑन आधार पर दिया जाएगा, इसे पॉलिसी में जोड़ा जाएगा। इसका मकसद देश में बीमा के कवरेज को बढ़ाना है। टेलीमेटिक्स आधारित मोटर इंश्योरेंस कवर के तहत गाड़ियों के इस्तेमाल और चालक के व्यवहार को जानने के लिए गाड़ियों में एक छोटी सी डिवाइस लगेगी। ये डिवाइस गाड़ी के कम या ज्यादा चलाए जाने पर नजर रखेगी। ऐसे में ज्यादा गाड़ी चलाने वालों को ज्यादा प्रीमियम देना होगा। एडा ने इन नए दिशा निर्देशों को जारी करने का मकसद बताते हुए कहा है कि बदलते समय के साथ अब जरूरतें भी बदल रही हैं। ऐसे हालात में बीमा कंपनियों को भी तकनीक के आधार पर अपने आप में बदलाव करना होगा, जिससे नई पैदा हो रही चुनौतियों से निपटा जा सके। इसके अलावा भी कई दूसरे तरीकों से भी वाहन मालिक इंश्योरेंस प्रीमियम को पहले की तरह बचाते रहेंगे, जिनमें शामिल है नो क्लेम बोनस, जिसमें सालाना प्रीमियम पर 20-50% तक छूट मिलती है। क्लेम की स्थिति में स्वैच्छिक कटौती लेने पर भी प्रीमियम घटता है। 10 साल से पुराने वाहन के लिए थर्ड पार्टी कवर लेकर भी बीमा प्रीमियम बचाया जा सकता है। एंटी थेफ्ट डिवाइस लगाने वाले वाहनों को भी बीमा कंपनियां प्रीमियम में छूट देती हैं। ऐसे में अब नए नियमों के आ जाने के बाद वाहनों के बीमा प्रीमियम में लोग बड़ी बचत कर सकेंगे। आज तक ब्यूरो। अगले 5 साल में सड़कों से गायब हो जाएंगी पेट्रोल गाड़ियां। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को इनोवेटिव आइडियाज के लिए जाना जाता है। उनकी अगुवाई में राजमार्गों के निर्माण के कई नए रिकॉर्ड्स बने। इनके अलावा वो सड़कों और गाड़ियों की सेफ्टी के साथ साथ ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल पर भी जोर देते रहते हैं। हाल ही में हाइड्रोजन से चलने वाली कार की सवारी कर वो चर्चा में आ रहे थे। अब मंत्री ने एक दावा किया है कि अगले 5 साल में भारत की सड़कों से पेट्रोल कारें गायब हो जाएंगी। उन्होंने यहां तक कह दिया कि 5 साल के बाद भारत में पेट्रोल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उन्होंने दावा किया कि कुछ सालों के बाद देश में कारें ही नहीं बल्कि स्कूटर भी ग्रीन हाइड्रोजन, एथेनॉल फ्लेक्स फ्यूल, CNG या LPG से चलेंगे या LNG से चलेंगे। केंद्रीय मंत्री पिछले सप्ताह महाराष्ट्र के अकोला में कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे और इस दौरान उन्होंने ये बयान दिया कि अगले 5 साल के बाद पेट्रोल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।